में इन दिनों सोशल मीडिया पर निजी अस्पतालों के लूट के नाम का एक फेसबुक पेज बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसमें करीब 4,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। दरअसल इस फेसबुक पेज पर लोग अपने तमाम अस्पतालों में होने वाली अनियमितताओं व उनके साथ हुए व्यवहार के बारे में अपनी अभिव्यक्ति जारी करते हैं। इसी के चलते आज इस ग्रुप के सदस्यों के द्वारा विगत दिनों 8 माह के मासूम की मौत से निराश पिता ने अपने सारे मामले की जाँच की मांग इस ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर की है, जिसके चलते आज CMHO को शिकायत देकर उचित कार्रवाई की बात की गई। मृतक बच्चे की मौत के लिए उसके पिता ने सैलवी अस्पताल में गलत इलाज को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि 8 माह के उनके बेटे को थोड़ी कमजोरी जरूर थी, वह हंसता खेलता अस्पताल में भर्ती हुआ था और डॉक्टरों के गलत इलाज का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस शिकायत पर स्वास्थ्य महकमे ने सारे मामले की शिशु रोग विशेषज्ञ से जाँच करवाने की बात कहकर रस्म अदायगी तो कर दी है, लेकिन अब कब तक जाँच हो पाएगी इसका पता नहीं है। इसके बाद उक्त मामले का शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक को भी सौंपा गया है। सैलवी हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया, वहाँ पे जो डीपी डॉक्टर और सिस्टर थे, उन्होंने एक इंजेक्शन खेलते हुए बच्चा था वो बिल्कुल सब बॉर्ड वहाँ पे सब बॉर्ड वाय सब कोई सबको मालूम है, जो भर्ती थी एडमिट सबको मालूम है बच्चा खेलता हुआ था। इंजेक्शन लगाया इनने, वो दो मिनट दो सेकंड में वो लड़का वहीं पे खत्म हो गया पलंग पे ही, खेलता हुआ बच्चा। उसने दूध पिया, नारियल पानी पिया, सब पिया और डॉक्टर कहना कि उसने कुछ खाया पिया नहीं, वहाँ कैमरे में सब दिखेगा जो है। तो वो हमसे प्रशासन से यही हमारी दरखास्त है कि कृपया कर इसमें जल्दी जल्द कार्रवाई की जाए और झोला छाप डॉक्टर और जो भी उसमें दोषी हैं उनको सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोबारा ऐसी घटना ना हो। जैसा आप सभी जानते हैं कि फेसबुक पर एक ग्रुप चल रहा है निजी अस्पतालों की लूट के विरुद्ध, इसमें निजी अस्पतालों द्वारा जो भी अनियमितता की जाती है, शोषण किया जाता है, कुछ डॉक्टरों द्वारा अननेसेसरी के बिल बनाए जाते हैं, अननेसेसरी की जांचें लिखी जाती हैं जिससे बिल बढ़ता है, उसके विरुद्ध हमने ग्रुप बनाया। उसके 5,000 मेंबर हैं। तो ये जो पीड़ित हैं लालू सिंह जी, इनके बच्चे की सैलवी हॉस्पिटल में 8 माह के बच्चे की मौत हो गई, अच्छा हंसता खेलता बच्चा था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तुरंत मौत हो गई। तो इनकी शिकायत हमारे पास आई थी कि आप हमारा पक्ष लें, हमारी बात को उठाएँ। तो उसी संदर्भ में आज CMO साहब के पास हम ज्ञापन देने आए थे कि जो भी डॉक्टर अगर दोषी है, उसकी लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ये हमारा मांग है, हमारे ग्रुप की तरफ से मांग है। CMO साहब को हमने सैलवी हॉस्पिटल के उनकी लापरवाही के विरोध में, जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ, उनके विरोध में आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित जो बच्चा है जो ख़त्म हो चुका है 8 माह का, उनके माँ बाप आए हैं, उनके परिजन आए हैं, उनका ये कहना है कि मेरा बच्चा, मैंने रविवार को 3:30 बजे भर्ती करवाया, उस समय वो स्वस्थ था, थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए उसको सिर्फ ड्रिप लगवाने के पर्पज़ पे लेके गए। वहाँ पे उन्होंने जो भी डॉक्टर अटेंड कर रहे थे उन्होंने बोला ठीक है 1-2 दिन अपन इनको भर्ती करते हैं, बट ठीक हो जाएगा। सोमवार के दिन 3:30 बजे बच्चा खेल रहा था, उसको कोई डॉक्टर आया, उनने बोला कि इसको लिटा दीजिए, आप इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन जैसे ही उसको दिया गया, तुरंत बच्चा अड़ गया, उसकी अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई कि मिनटों में वो ख़त्म हो गई। उसके बाद उनका ड्रामा चालू होता है, वो लेके जाते हैं ICU, बोले चलो बच्चे को जल्दी लेके चलो ऑक्सीजन लगाना है, वहाँ गए ऑक्सीजन ही नहीं, फिर कह दिया जाता है कि बच्चा ख़त्म हो गया। अब लोगों से जब पूछा भैया डॉक्टरों से क्या हुआ, नर्स से पूछा क्या हो गया बच्चे को, तो बोला हार्ट अटैक हो गया, कोई बोलता है उसका लूज मोशन के कारण पानी की कमी आ गई, इस प्रकार के नाटक किए जा रहे थे। और बाद में बोल दिया भैया डेथ हो गई, अब आप साइन कर दीजिए। अब आज आप यहाँ किस लिए आए थे? हम ये मांग करने आए हैं कि इस चीज़ की निष्पक्ष जांच हो, बच्चे की मौत किस कारण से हुई है, बच्चा हंसता खेलता, आपने कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। तो हमने आज मांग की है, परिवारजनों ने मांग की है, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।